अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदान के अंतिम क्षणों में युद्ध का मैदान बन गया। फर्जी वोटिंग के शिकायत पर पहुंचे सपा रालोद प्रत्याशी आदिल चौधरी के काफिले पर हमला कर दिया गया। सपा नेता विपिन मनोठिया पकड़ में आ गए तो उन्हें पीट दिया गया, उनके सिर में चोट आई है। वहीं आदिल चौधरी भी मारपीट का शिकार हुए हैं। यह घटना के ब्लॉक शास्त्री नगर स्थित विद्या मंदिर स्कूल की है। इस बारे में आदिल चौधरी ने यह जानकारी दी। हमें पता चला कि जी वहाँ बूथ पर भाजपा के लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। विपिन मनोठिया जी ने बताया हम अंदर गए विद्या मंदिर में और ये बाहर रुक गए। हम जब बाहर से आए इन पे हमला कर दिया उन्होंने और हम निकल के आगे जैसे चल रहे थे इनको इन्होंने घेर लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, क्योंकि सभी समाज ने गठबंधन को वोट दिया। सब जगह हम सब जगह से जीत रहे हैं, वो बौखला रहे हैं। तो इसकी शिकायत अपने प्रशासन वगैरह को दी है? हमारा अध्यक्ष बैठे मसरा कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए मसरा करके जो भी होगा फिर। अच्छा, घटना का कारण क्या रहा? भाजपा का बौखलाहट, क्योंकि यहाँ मेरठ से सुपड़ा साफ हो रहा है, हम 6 सीट क्लियर जीत रहे हैं और 7वीं सीट में हमारी फाइट है। वहीं विपिन मनोठिया ने यह कहा, देखिए ये घटना लगभग 5:30 बजे की है। दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी आदि चौधरी जी, हम लोग उनके साथ गए थे, तब की हम लोग बूथ तक नहीं गए थे। भाई एक प्रत्याशी का कर्तव्य है कि वो जितने बूथ एजेंट है उनसे पूछ सकता है कि आज वोट परसेंटेज कितना हुआ, केवल इतना पूछने गए थे और तमाम सीसीटीवी फुटेज वहाँ मौजूद थे। ठीक है, जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं जय श्री राम के नारे, मैंने आपसे अभी भी कहा था तो राम में हम भी आस्था रखते हैं और बाबा साहब हमारा रास्ता है। हम लोग बाहर निकले, आदिल भाई को धक्का मुक्की करी, प्रत्याशी हैं इनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी करी। जैसे इनको भेजा तो तुरंत 100-200 लोग एकदम मेरे को मारने पीटने लगे और काफ़ी सर में मेरे चोट भी है, काफ़ी चोट है, गुम चोट मेरे काफ़ी। उसके बाद मैं अपने जान बचा के वहाँ से निकला अपना कैसे भी करके अपना, और 2-3 लोग थे जिनको मैं जानता हूँ। एक लड़का है आपका ईशु बराना और शंभू पहलवान है और ललित मोरल है और अन्य व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि जहाँ ये घटना घटी है वहाँ तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे हुए होंगे। ठीक है ना, तो हम तमाम शासन प्रशासन के लोग से ये कहते हैं, ये मांग रखते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई होगी। अच्छा, घटना स्थल कहाँ का था? विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ब्लॉक शास्त्री नगर। सपा के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने यह कहा, करीब 5:30 बजे ये विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है शास्त्री नगर में, वहाँ मनोठिया के साथ जो हमारे दलित नेता हैं उस बूथ की कुछ शिकायत मिली थी, उन्हें देखने के लिए बूथ पर गए। इन्हें देखते ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वो कोई बुरी बात हम नहीं मानते, क्योंकि राम तो सबका है, लेकिन नारा बोल के हमला करना आदिल चौधरी पे भी और मनोठिया पे भी और घेर के इनके साथ मारपिटाई करना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मेरठ से 7 सीटों से सफाया हो गया है। और इस घटना की हम निंदा करते हैं, इसमें अभी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं, अभी कप्तान साहब से बात हुई है, अभी उनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका वर्जन इसमें क्या है। आपने वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वीडियो भी बनी होंगी, उसमें क्लियर दिख रहा है कि वो मार पिटाई कर रहे हैं। हम भी अपने लोगों से मंगवा रहे हैं जिन्होंने वहाँ रिकॉर्ड किया होगा। तो ये घटना बहुत ही निंदनीय है, किसी प्रत्याशी पर इतनी भारी सुरक्षा होते हुए। अभी कप्तान साहब और डीएम साहब या पूरी सुरक्षा जितनी इन्होंने लगा रखी है, कमिश्नर साहब से लेकर, क्या ऐसा हुआ कभी कि किसी बूथ पर इकट्ठे होकर 100 आदमी प्रत्याशी के साथ और उनके साथ के लोगों पर हमला कर दें? तो काहे की सुरक्षा होगी? हम निश्चित तौर से इसकी लिखित में दर्ज कराएंगे रिपोर्ट और उसमें अभी सलाह मशवरा कर रहे हैं हम लखनऊ। अच्छा, विवाद का क्या कारण रहा है? विवाद का कोई कारण नहीं, उन्होंने तो कहा ही नहीं। जैसे ही ये उतरे वहाँ पे बूथ देखने के लिए, जैसे ही एकदम हमलावर हो गए, नारे लगाने के बाद मारपिटाई शुरू कर दी। इसका मतलब कितनी बड़ी बौखलाहट है, क्या दादागिरी है, सत्ता का ये दुरुपयोग है, प्रशासन का, ये शासन का धन बल का दुरुपयोग है, सत्ता का नशा इन्हें चढ़ा हुआ है जो अब उतर जाएगा 10 मार्च को। तो क्या माने कि विवाद जो उनके पहले से प्लानिंग थी? बिल्कुल प्लानिंग थी, अदरवाइज तो उन्हें क्या पता ये लोग आ रहे हैं। जैसे ये लोग आए मारपिटाई शुरू कर दी, आज बहुत बड़ी घायल अवस्था में है ये बैठे मनोठिया, इनसे पूछ लीजिए आप कितनी सिर में चोट लगी है। ये तो अच्छा मजबूत है, जवान है, इसलिए झेल के, हम जैसा कोई होता तो वहीं स्पॉट पे दम तोड़ देता इतनी मारपिटाई के अंदर। तो कप्तान साहब को, डीएम साहब को हम इसकी शिकायत
दर्ज करा रहे हैं और चाहेंगे हम चुनाव आयोग को भी लिख कर दे रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।